आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन माय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि बीएड थर्ड सेम में आप लोगों का जो टीचिंग रहता है, इंटर्नशिप रहता है, तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। ये आपके 2 या 3 महीने की इंटर्नशिप रहती है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करना या नहीं करना। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपको स्कूल से इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जाता है तो बिल्कुल जाइए और करिए। इससे आपको क्या होता है, सीखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपका बीएड थर्ड सेम है, तो बीएड थर्ड सेम में तो आपका एक ही पेपर होता है, फिर आपका जो स्कूल इंटर्नशिप रहता है ये आपका 2 या 3 महीने का होता है और आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल होती है, साइको प्रैक्टिकल फाइल। तो फ्रेंड्स, थर्ड सेम में बस इतना ही रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो हम इंटर्नशिप की बात करते हैं कि आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्कूल से गए, मैं अपना बता रही हूँ कि हम स्कूल से सबसे पहले जाते हैं तो स्कूल में हमें परमिशन लेना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल में टीचिंग के लिए भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। तो मैं तो टोटल 19 स्कूल गई थी, जिसमें से मुझे 15 या 16 स्कूल से परमिशन मिला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है हमारे कॉलेज के अकेले बच्चे नहीं जाएंगे, अदर कॉलेज के भी बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप करने। तो उन्होंने 5-5 का ग्रुप ही बनाया, मतलब 5 ही बच्चों को भेजना, ये उन सभी स्कूलों ने कंपलसरी कर दिया। 5 या 10 बच्चे हम भेज सकते थे अपने स्कूल से। तो हम सबसे पहले वहाँ से परमिशन लेकर आए, वहाँ के प्रिंसिपल से मिला, प्रिंसिपल से हमने बात करी कि हम अपने बच्चों को स्कूल, आपके स्कूल हम टीचिंग के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने कुछ स्कूलों में तो बहुत अच्छे से बोला कि हाँ ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम परमिशन लेटर लेकर आ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चों को हमने स्कूल के नाम बताए कि आप लोगों को ये स्कूल है, आपके लोकल एरिया के इतने स्कूल से हमने परमिशन लेकर आ गए हैं, तो आप कौन कौन से स्कूल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से आप वहाँ जाकर टीचिंग कर सकते हैं। तो फिर हमने 5 का ग्रुप बनाया और बच्चों ने अपनी इच्छा से जो भी उनके मतलब घर के आसपास जो भी लोकेशन पे था जो स्कूल, वो वहाँ के लिए परमिशन उनको मिल गई। तो इस तरीके से हमने उनकी अटेंडेंस शीट तैयार करी। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे अब मंडे से स्कूल पर टीचिंग जाने लगे। तो इंटर्नशिप जो होता है, इससे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट से करना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग सीखो ना, हर चीज़ पैसे से नहीं सीखी जाती, कुछ चीज़ें आप वहाँ जाके सीखोगे तो आप भविष्य के टीचर बनोगे। यदि आप स्कूल आपको मिल रहा है, क्योंकि आप अभी बीएड फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, तो वहाँ बैठने की फीलिंग ही अलग होती है। लेकिन जब हम सामने आके बच्चों को समझाते हैं, वो फीलिंग ही अलग होती है। मतलब दोनों में बहुत अंतर होता है कि किसी को पढ़ाना और पढ़ना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अभी तक तो आपने पढ़ा, अब उसके बाद अब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा डर भी लगता है कि हमें नया नया स्कूल मिल रहा है तो हमें कैसे वहाँ रहना है, कैसे बात करना है। तो आप वहाँ टीचर बन के जा रहे हो, आप ये मत सोचो कि बच्चा आपसे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो फर्स्ट दिन, सेकंड दिन थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, फिर धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। तो आपको सीखने मिलता है इंटर्नशिप में, आप बढ़िया वहाँ जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करिए, वो आपको जो भी क्लास देते हैं पढ़ाने के लिए आप वो क्लास पढ़ाइए। जैसे कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने अभी इंटर्नशिप जाने लगे हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो पर भी बताऊंगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब आप सीख रहे हैं ना, आपको रजिस्टर कैसे फिल करना है, अनुशासन में कैसे रहना है। बच्चों से 10-15 मिनट पहले स्टाफ आता है, तो आपको भी उनके साथ पहले ही आना है, प्रेयर होती है, ये सारी चीज़ें आपको एक डिसिप्लिन आपको इंटर्नशिप में ही सीखने मिलता है। क्योंकि कॉलेज में तो देखिए आप टीचर्स आपको सिखाते हैं, लेकिन आप एज अ टीचर बन के आप वहाँ जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो आपको बहुत सारा नॉलेज होता है, प्लस आप उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उनके बेस्ट टीचर बन जाते हैं, वो आप लोगों को बहुत लाइक करने लगते हैं। इसका मतलब आप उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं ना, इसलिए वो आपको पसंद कर रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप रजिस्टर मेंटेन करना सीख जाते हैं और कैसे बात करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी डेली डायरी चेक करने लगते हैं, उनके जो प्रॉपर नोट्स रहते हैं आप बनवाने लगते हैं। तो इंटर्नशिप में छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत, 2 महीने में आप इतने प्रिपेयर हो जाते हैं ना कि आप मतलब बीएड कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी स्कूल में यदि रिज्यूम भी डालते हैं
तो आपका परफेक्शन उतना आ जाता है। इसलिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि नहीं, अब हमें नहीं करना है, हर चीज़ तो हम उस तरीके से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे जो सीखते हैं, तो आप जितना ज़्यादा सीखोगे ना, सीखने से आपको उतना ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा। सीखने से आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। लगता है टाइम थोड़ा सा एडजस्ट होने में, बट हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं। और लाइफ है, ज़िंदगी हम हैप्पी होके जिएंगे तो भी तो अच्छा लगेगा ना, तो लाइफ में खुश होके जीना ही चाहिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं मतलब बीएड कर रही थी, तो मेरा भी मतलब मुझे इंटर्नशिप के लिए, अब तो मेरा बीएड ग्वालियर से हुआ था, तो मुझे भिंड के लिए मिला था इंटर्नशिप करने के लिए। तो वहाँ मैं कुछ टाइम के लिए गई थी। तो पहले तो मैं मतलब स्कूल में ही पढ़ाती थी, साथ ही साथ में कोचिंग भी पढ़ाती थी, तो मुझे उतना हेजिटेशन नहीं लगता था, क्योंकि आप सामने खड़े होकर जो बच्चों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको डर नहीं होना चाहिए। यदि आप डर रहे हैं ना, तो बच्चों को फिर आप पढ़ा नहीं पाएंगे। आप खुद में सेल्फ में कॉन्फिडेंस लाइए ना। यदि आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप वो गलत चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यदि थोड़ा सा लग रहा है मिसमैच कहीं होता है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में ये डर नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरीके से मैंने बच्चों को समझाया। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग स्कूल से ही की थी, कि स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर मैंने कोचिंग पढ़ाया, अब आज मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। तो इस तरीके से अब जो हेजिटेशन था सारा ख़त्म हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंटर्नशिप करें, आपको सीखने मिलता है इससे, नई नई चीज़ें आप सीखते हैं, तो भविष्य में आप एक अच्छे टीचर्स भी बन सकते हैं। क्योंकि आपके सामने जितना भी डर रहता है, आपके बोलने का तरीका, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आप में आ जाती हैं। और उसके बाद रही लेसन प्लान की बात, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, बायो, किसी का बायो होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का कॉमर्स होगा, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 20-20 लेसन प्लान बनाइए। उसके बाद लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप, यदि आपको बड़ी क्लास मिलती है ना, 11th 12th मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान देंगे, तैयार कीजिए और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना सिखाइए। फिर यदि आपको जैसे सपोज दें छोटी क्लास दे दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट से पढ़ाइए ना। आपको नई भी बनना है, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, पर आप क्लास को मैनेज करना तो सीख जाएंगे, कि क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से खेल खेल के माध्यम से समझेंगे। तो इस तरीके से आप भी इंटरेस्टिंग होंगे। यदि आप इंटरेस्टिंग हैं पढ़ाने में, तो बच्चा भी आपकी बात बहुत अच्छे से सुन सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे नहीं करते हैं, तो उनको सीखने नहीं मिलता, क्योंकि हम हर चीज़ ज्ञान से ही सीखते हैं। आपको जितना अनुभव होगा, जितना नॉलेज होगा, तो वही सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। अरे कुछ बच्चे हैं जो मुझे डेली फीडबैक देते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं डेली उनका फीडबैक लेती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विभा है, कोमल है, रियाशु है, ये लोग बहुत ही इन्जॉय से पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका वीडियो, ये देखिए। Yeah.
तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। और इंटर्नशिप से रिलेटिव या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाय माई फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।